यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। कई रास्ते आए और कई मोड़ आए, और कैसे गलत रास्तों ने भटके हुए इस मुसाफिर को उसके अपने मंजिल तक पहुँचा दी। दरअसल ये कहानी शुरू हुई थी साल 2019 दिनांक 14 जून दिन शुक्रवार, when elder brother of my home was selected for IIT. IIT JEE की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अपने घर से लेकर कोटा तक भटकने के बाद आई टू एडमिशन इनटू अ कोचिंग नारायणा इन माय ओन सिटी एंड द रियल फाइट फॉर JEE बिगन फ्रॉम देयर। साइन पाई माइनस थीटा लोचा कि नो लोचा, पकड़ेगा अपना बगल वाला। लेकिन इस कोचिंग में मैथ्स के अलावा बाकी दो सब्जेक्ट्स मुझे और ज्यादातर स्टूडेंट को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। सो जस्ट आफ्टर 8 months आई लेफ्ट दी कोचिंग एंड डिसाइडेड टू डू सेल्फ स्टडी। और जस्ट इसके एक हफ्ते बाद शुरू होती है दी बिगेस्ट पैनेडेमिक ऑफ दी एरा COVID-19। China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में। मगर एक चीज इस कोविड में बहुत अच्छी होती है और वो ये कि अलग सर है जो स्टार्टेड इज फर्स्ट ऑनलाइन बैच इन ओनली 1000। तो फिर क्या था, इस बैच के साथ मैं अपनी 12th की फिजिक्स कंप्लीट करता हूँ और अलग सर के यूट्यूब वीडियो से 11th की फिजिक्स भी कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन ये जर्नी इतनी सरल और सिंपल नहीं थी। JEE मेंस के 2 वीक पहले मेरी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि मुझे 18 इंजेक्शन सिर्फ 3 दिनों में लगानी पड़ती है, 6 injections per day. इवन आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली ड्यू टू लॉट्स ऑफ कर्व्स इन माई लंग्स। एंड 2021 वॉज द ईयर जब हिस्ट्री में पहली बार JEE मेंस 4 times करवाए जा रहे थे। और मुझे ये बात अच्छे से पता था कि अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में हाई स्कोर नहीं किया तो आगे 3 अटेम्प्ट में हाई स्कोर करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं। और जिस चीज का डर था फाइनली वही हुआ। JEE मेंस की फर्स्ट अटेम्प्ट की रिजल्ट आई एंड आई हैव स्कोर्ड ओनली 79.something percentile। और आगे 3 अटेम्प्ट के लिए मेरी मोटिवेशन जमीन के 10 फीट नीचे चली गई। बट माई फादर ऑलवेज टोल्ड मी कि क्या लेकर के तू आया था और क्या लेकर के तू जाएगा, इस मिट्टी में पैदा हुआ इस मिट्टी में मिल जाएगा, खाली हाथ तो तू आया था क्या खाली हाथ ही चला जाएगा, फिर से शुरुआत करो, इस बार शुरुआत शून्य से नहीं एक अनुभव से होगी। JEE मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट स्कोर्ड ओनली 90 percentile, JEE मेंस का थर्ड अटेम्प्ट स्कोर्ड ओनली 85 percentile, और JEE मेंस का फोर्थ एंड लास्ट अटेम्प्ट स्कोर्ड ओनली 91.78 percentile। और इन परसेंटाइल को देखकर मुझे बार बार एक ही बात याद आता था कि पापा पूछते थे रिजल्ट हर बार कि क्या हुआ इस बार, मैं टाल दिया करता उनके सवालों को बार बार, अब एक इस मुँह से कहता कि पापा मैं हार गया फिर से इस बार। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर JEE एडवांस। तो JEE मेंस के रिजल्ट पे ज्यादा फोकस ना करते हुए मैंने अपना पूरा ध्यान JEE एडवांस पे लगाया, JEE एडवांस का एग्जाम दिया और मेरा JEE एडवांस क्लियर भी हो गया। बट मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे एक अच्छी IIT में ठीक ठाक ब्रांच मिल सके। सो माय एल्डर ब्रदर जिन्होंने 2 साल पहले ही IIT क्रैक कर रखा था, ही टोल्ड मी टू टेक अ ड्रॉप। ही टोल्ड कि ड्रॉप लेना कोई गलत बात नहीं है, ड्रॉप लेना तब गलत है जब ड्रॉप लेने के बाद भी तुम्हें सेम कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ रहा है जो तुम्हें पहले भी मिल रहा था। सो विदाउट एनी फर्दर मोर थॉट्स आई टू का ड्रॉप। और इस बार मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स पे वर्क किया जो पहले मैं कर चुका था। मैंने पिछली बार मॉक टेस्ट बहुत कम दिए तो इस बार मैंने जमकर मॉक टेस्ट लगाए, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए। मेरी पेपर सॉल्विंग अप्रोच बहुत गंदी हुआ करती थी तो मैं अपने सीनियर्स जो कि IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT BHU में पढ़ रहे थे उनसे अच्छे से टिप्स और गाइडेंस ली। और इस बार JEE मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आई हैव स्कोर्ड 98.35 percentile,
सेकेंड अटेम्प्ट में 22 नंबर ज्यादा स्कोर करने के बाद भी मेरी परसेंटाइल बढ़ने के जगह उल्टा घट गया, क्योंकि ये बात आपको अच्छे से पता है कि 200 नंबर पर भी अगर आपके 90 परसेंटाइल बन रहे हैं तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम कोई और नहीं बल्कि NTA कंडक्ट करता है। एंड वेयर एवर देयर इज NTA एवरीथिंग इज पॉसिबल।